तो आज हम क्लास 10 में शुरुआत करने जा रहे हैं नए चैप्टर की, मेटल एंड नॉन मेटल, चैप्टर नंबर 3, एंड दिस इज लेक्चर नंबर 1। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है वो देखने वाले हैं। तो मेटल डेली लाइफ में आप बहुत सारे देखते हैं, जैसे एल्यूमिनियम के वेसल घरों में कुकिंग में यूज किए जाते हैं, आयरन की कढ़ाई वगैरह यूज की जाती है, ठीक है, स्टील के बर्तन यूज किए जाते हैं। तो मेटल की एक फोरमोस्ट प्रॉपर्टी क्या है कि मेटल्स आर हार्ड इन नेचर, ठीक है। नॉन मेटल जो है कई सारे ऐसे हैं जो गैसेज हैं, जैसे मैं बात करूं क्लोरीन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, दे आर नॉन मेटल्स, ठीक। पर मेटल जो हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं उनका सबसे पहला प्रॉपर्टी ये है कि दे आर हार्ड, ठीक है। बहुत सारे ऐसे मेटल हैं जिनको अगर हम चाकू से काटना चाहें तो नहीं काट पाएंगे, ठीक है ना। एक आध कोई मेटल ऐसा है जो सॉफ्ट है और उसको हम नाइफ से काट सकते हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादातर मेटल ऐसे हैं जिनको हम नाइफ से नहीं कट कर सकते, सो दे आर हार्ड इन अपीरेंस। सेकेंड जो प्रॉपर्टी है वो मेलिएबल है। मेलिएबल का मतलब ये होता है कि कई सारे ऐसे मेटल हैं जिन पे फोर्स लगा लगा के, ठीक है, फोर्स लगा लगा के हम क्या करते हैं कि यहां से अगर हम इसको फोर्स लगाएं तो ये थिन शीट में बदल जाता है, इस तरह की शीट जो है बनाई जाती है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम की शीट्स का यूज किया जाता है जैसे घरों में छतों के ऊपर, ठीक है। तो मेटल की एक खासियत है, एल्यूमिनियम फॉइल आप बर्तनों में, जैसे घरों में जो फूड को पैक करने में काम लिया जाता है, तो एल्यूमिनियम फॉइल जो है कि एक पतली शीट उससे हम बना सकते हैं। सो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेलिएबिलिटी। अगर मान लीजिए हम किसी मेटल से एक पतली शीट बनाने में कैपेबल हों, ठीक है, थिन शीट, तो हम उस मेटल को क्या बोलेंगे, मेलिएबल, एंड दिस प्रॉपर्टी इज मेलिएबिलिटी। कौन कौन से मेटल बहुत ज्यादा मेलिएबल है, तो वैसे तो मेलिएबल सभी हैं, जैसे मान लीजिए आयरन की भी शीट बनाई जा सकती है, एल्यूमिनियम बनाई जा सकती है, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा मोस्ट मेलिएबल जो है वो है गोल्ड एंड सिल्वर। सिल्वर का एग्जाम्पल आप देखते होंगे कि मिठाइयों में एक वर्क यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं चांदी का वर्क, जिसको बोलते हैं सिल्वर का एक वर्क यूज करते हैं। अगर आप उसको टच करोगे तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो हार्ड है, अगर एकदम हाथ में लोगे क्रश कर दोगे आप उसे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा मेलिएबल होता है सिल्वर, ठीक है ना, उससे शीट बनाई जा सकती है। गोल्ड भी बहुत ज्यादा मेलिएबल है कि गोल्ड को भी जैसे पीटेंगे अपन थोड़ा भी तो तुरंत जो है एक थिन शीट में बदल जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से सोने और चांदी के आभूषण बनाए जाते हैं क्योंकि बहुत अच्छे मेलिएबल होते हैं ये। तो इस प्रॉपर्टी के कारण हम यहां से ऑर्नामेंट में गोल्ड एंड सिल्वर का यूज करते हैं। अगली प्रॉपर्टी है कि दे आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है कि हम किसी शीट को जो है यहां से प्रेस करें, ठीक है ना, ये हमारे पास मेटल है और हम इसको जो है प्रेस करके इसे वायर बना लें, ठीक है। तो जैसे मेटल वायर, कॉपर वायर आप देखते हैं घरों में, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जो अपन वायर जो यूज करते हैं उनमें आप देखोगे तो कॉपर वायर यूज होता है, बिल्कुल पतला सा वायर, ठीक है। तो वायर में बदलने की जो टेंडेंसी है इसकी, उसको हम बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी, ठीक है। डक्टिलिटी यानी कि मेटल वो डक्टाइल है जिसको हम एक थिन वायर में चेंज कर सके, वायर बना सके उससे, ठीक है, एंड द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज डक्टिलिटी। कौन सा मेटल सबसे ज्यादा डक्टाइल है, तो गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल मेटल अमोंग ऑल। तो गोल्ड को बड़ी आसानी से, अगर आप ऑर्नामेंट देखो गोल्ड के, और हम अगर मान लो थोड़ी सी भी किसी चीज को उस पर जो है निडल को पिक करें तो आसानी से जो है वहां पे वो निडल चली जाएगी। तो बहुत मेलिएबल है, बहुत ज्यादा डक्टाइल है गोल्ड, ठीक है। 1 ग्राम गोल्ड को यदि हम ले लें, इतना ज्यादा डक्टाइल है कि 2 किलोमीटर तक लंबा वायर हम इससे बना सकते हैं। अब आप सोचिए 1 ग्राम गोल्ड, ठीक है ना, कितना जरा सा गोल्ड हमने लिया है, इतना जबरदस्त डक्टाइल है कि हम इसको खींचते जाए तो 2 किलोमीटर तक का लंबा वायर इससे बनाया जा सकता है 1 ग्राम गोल्ड से, ठीक है ना। ये बड़ा ही विचित्र तथ्य। इसके बाद मेटल की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अगर हम बात करें कि कौन से मेटल बहुत अच्छे कंडक्टर हैं हीट के, तो वो है सिल्वर और कॉपर। सिल्वर और कॉपर बड़ी आसानी से हीट को जो है पास करते हैं, ठीक है।
अब क्यों पास करते हैं, उसका रीजन क्या है कि मेटल में क्या होता है, एटम बहुत पास पास होते हैं इस तरीके से। अब मान लीजिए इस एंड से अगर मैं इसको गर्म करना चालू करता हूं तो यहां से हीट तुरंत ही इस तरफ चली जाएगी। यानी अगर आप कोई मेटल की लंबी रॉड लेकर एक एंड से उसको गर्म करने लगो तो यहां से हीट इधर फ्लो कर जाएगी और पूरा मेटल जो है वो गर्म हो जाएगा। तो यानी कि मेटल जो है दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से दे आर यूज इन मेकिंग वेसल। घरों में जो बर्तन यूज करते हैं कुकिंग वाले वो मेटल के ही होते हैं ज्यादातर, क्योंकि हीट का कंडक्शन बहुत आसानी से होता है। अगर मान लीजिए हम मिट्टी के बर्तन लें तो उसमें बहुत स्लो कुकिंग होगी, लेकिन अगर एल्यूमिनियम का कोई तवा ले लेते हैं, ठीक है, आयरन का तवा ले लेते हैं तो बहुत जल्दी वो हीट से गर्म हो जाता है। ठीक है, तो बर्तनों में जो है, जिसे मान लीजिए कोई भी हमने कढ़ाई ली है उसको गर्म किया तो खाना उसमें जल्दी पक जाता है, बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और घरों में जो बर्तन यूज किए जाते हैं नॉर्मली कौन से होते हैं, एल्यूमिनियम के बर्तन, आयरन के बर्तन, स्टील यूज किया जाता है जो आयरन का ही एक कंपाउंड है, ठीक है, और कॉपर के बर्तन यूज किए जाते हैं, ब्रास के बर्तन भी यूज किए जा सकते हैं। ब्रास होता है कॉपर प्लस जिंक का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो वैसे घरों में अगर कुकिंग के लिए बात करें अपन तो सबसे अच्छे जो बर्तन है वो है आयरन के या स्टील के। ठीक है, एल्यूमिनियम के बर्तनों से हमें बचना चाहिए, क्योंकि एल्यूमिनियम के बर्तन जो है एक टॉक्सिक एलिमेंट है एल्यूमिनियम समाओ, और अल्जाइमर एक डिजीज होती है उसका मेन जो रीजन है वो एल्यूमिनियम के बर्तन है। तो कई जगह पर एल्यूमिनियम के बर्तन जो है धीरे धीरे जो है अपने किचन से लोग हटा रहे हैं, और आयरन के बर्तनों को जो पुराने टाइम में यूज करते थे लोहे की कढ़ाई वगैरह तो उनमें खाना पकाने लग गए। उसका एक बेनिफिट भी है कि आयरन की कढ़ाई में अगर आप खाना पका रहे हैं तो आपको आयरन का भी जो बॉडी में एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, खून की कमी नहीं होगी। ठीक है, जैसे आयरन की कमी से खून की कमी हो जाती है, ब्लड की कमी हो जाती है, तो आयरन में सबसे अच्छा जो है वो आयरन में खाना पकाना चाहिए, एल्यूमिनियम में नहीं पकाना चाहिए, क्योंकि टॉक्सिक है, अल्जाइमर डिजीज का कारण बनता है। अल्जाइमर एक डिजीज होती है जिसमें क्या होता है कि एज बढ़ने के साथ आदमी की याददाश्त कमजोर हो जाती है। ठीक है, तो वो भूलने लग जाता है चीजों को, इस डिजीज को अल्जाइमर डिजीज बोलते हैं, एंड इट इज कॉज्ड बाय द एल्यूमिनियम वेसल्स। मेटल की अगली प्रॉपर्टी है कि दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यानी कि मेटल वायर को जो है, जैसे मान लीजिए हम बैटरी कनेक्ट कर दें तो मेटल वायर जो है इस बैटरी से जो है प्लस और माइनस से इलेक्ट्रिसिटी का पास होगा और अपोजिट एंड से इलेक्ट्रॉन का पास होगा। बैटरी को हम कैसे दिखाते हैं, प्लस और माइनस साइन से, ये वाला साइन है बैटरी का, तो प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रॉन का करंट का फ्लो होता है और माइनस से प्लस की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल जो है वो वही टर्मिनल है जहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। तो मेटल वायर जो है दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए फ्लो होता है एक जगह से दूसरी जगह पर इलेक्ट्रिसिटी जाती है, तो आपने देखा होगा कि अगर रोड्स पे देखा हो आपने तो बहुत मोटे मोटे एल्यूमिनियम के वायर होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी लाने ले जाने का काम करते हैं। ठीक है, तो मेटल को हम इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है कि जिस पर ये मेल्ट होना स्टार्ट करेंगे, यानी सॉलिड से लिक्विड बनना चालू करेंगे। ठीक है, तो क्या रीजन है हाई मेल्टिंग पॉइंट का, कि बिकॉज बिटवीन द मेटल एटम्स देर इज ए स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। अब व्हाट इज मीन बाय मेटेलिक बॉन्ड, कि जैसे मान लीजिए सोडियम अगर हम ले तो सोडियम का कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1, तो ये आउटर मोस्ट जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है इस वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। ठीक है, और ये बन जाता है स्टेबल कॉन्फिगरेशन में नोबल गैस लाइक। तो मेटल हम उसी को बोलते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकते हो। ठीक है, तो जैसे सोडियम मेटल है तो सोडियम मेटल इलेक्ट्रॉन देकर Na प्लस में बदल जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। अब बहुत सारे ऐसे सोडियम मेटल एटम बना लूं मैं पॉजिटिव आयंस, और इनके बीच में इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, इन इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो हर मेटल एटम जो इनके आसपास होगा ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, और इस तरीके से मेटल के एटम एक दूसरे से बंधे हुए हैं। इसको बांधने वाला कौन है, ये इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, या इसको मोबाइल इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। तो क्या होगा
कि अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव एंड लगा देंगे प्लेट पर तो ये इलेक्ट्रॉन तेजी से इस तरफ फ्लो करेंगे। तो मेटल जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करते हैं, कंडक्शन करते हैं, ये क्यों करते हैं? क्योंकि मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन चार्ज है, तो चार्ज का मूवमेंट, इफ चार्ज इज फ्लोइंग दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड। तो हमारे पास मेटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा तादाद में, और वो तेजी से एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करने लग जाते हैं। तो बिकॉज ऑफ द मोबाइल इलेक्ट्रॉन द मेटल कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है प्लस और नेगेटिव के बीच में, तो प्लस और नेगेटिव चीज आपस में जुड़ी हुई है, तो इनको हटाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है हटाना। इसलिए मेटल एक दूसरे से पास पास में जुड़े, हार्ड भी है और मेटल का मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्ड इनमें पाया जाता है। ठीक है, रिलेटिवली सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट कम है दूसरे मेटल की अपेक्षा, बट नॉन मेटल से कंपेयर करें तो इट इज हायर। मेटल सोनोरस होते हैं। सोनोरस क्या होता है कि सोनोर मतलब साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो इट कैन प्रोड्यूस साउंड आफ्टर स्ट्राइकिंग हार्ड सरफेस। जैसे स्कूल में आपको इन्फॉर्म करने के लिए बेल लगाई जाती है, तो बेल जो है कॉपर की या ब्रास की लगाई जाती है, तो अगर वो किसी हार्ड सरफेस से टकराएगी तो आफ्टर स्ट्राइकिंग इट कैन प्रोड्यूस ए साउंड। तो मेटल जो है सोनोरस होते हैं। मेटल वायर जो घरों में हम यूज करते हैं इनके आसपास कोटिंग होती है, रबर लाइक कोटिंग। ठीक है, तो जैसे मान लो मेटल वायर है कॉपर का, तो इसके आसपास एक कोटिंग है रबर जैसी, जो कोटिंग कौन सी होती है, कोटिंग ऑफ पीवीसी, प्लास्टिक जैसा कंपाउंड है, और ये क्या करता है कि इलेक्ट्रिसिटी को बाहर फ्लो करने से रोकता है। यानी कि अगर हम इस वायर को सीधा टच करेंगे तो वायर टच करने पे क्या होगा कि हमारे जहां से हम टच करेंगे वहां से इलेक्ट्रॉन हमारी बॉडी में फ्लो करने लग जाएंगे। इसी को बोलते हैं करंट लग जाना। करंट कैसे लगता है कि मेटल वायर को छू लिया हमने तो वहां से इलेक्ट्रॉन हमारी बॉडी में आने लग गए। ठीक है ना, तो उस केस में यहां से जो है उस मेटल वायर को जो बिल्कुल नेकेड है उसको अपन प्लास्टिक जैसे कंपाउंड से कवर कर देते हैं, ताकि अगर उस प्लास्टिक से कवर की हुई वायर को कोई छुए तो उसे करंट ना लगे। ठीक है ना, तो ये घर में यूज होता है पीवीसी। अगला जो हम देख रहे हैं ये है नॉन मेटल। मेटल के बारे में बात कर चुके हैं। मेटल की एक और प्रॉपर्टी होती है कि चमकदार होते हैं। मेटल की प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा हूं कि चमकदार होते हैं, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं दे आर लस्ट्रस। तो सोना जो है, गोल्ड को अगर आप देखोगे तो चमक जनरेट करता है, चांदी में चमक होती है, लस्ट्रस होते हैं मेटल के। और ये इसलिए होता है क्योंकि जब इनपे अगर लाइट, अगर ये एब्जॉर्व करते हैं, लाइट इन पे पड़ती है तो उसका कुछ पार्ट ही एब्जॉर्व करके इलेक्ट्रॉन इनके ऊपर हायर स्टेट में चले जाएंगे, और जब ये वापस आएंगे तो ये कुछ फोटोन को निकालेंगे। तो उन इलेक्ट्रॉनों के कारण, जो इलेक्ट्रॉन अभी हमने देखे थे कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटल में, फ्री इलेक्ट्रॉन या मोबाइल इलेक्ट्रॉन, उन्हीं की वजह से चमक भी होती है मेटल में। ठीक है, तो लस्ट्रस होते हैं मेटल। ठीक है, दुनिया में जितने भी एलिमेंट है उनमें मेटल्स की संख्या ज्यादा है इन कंपेरिजन टू नॉन मेटल्स। नॉन मेटल के टिपिकल एग्जाम्पल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, फ्लोरीन। तो जब पीरियोडिक टेबल में हम इधर जाते हैं, पीरियोडिक टेबल अगर आप देखियो तो इधर जाने पर मेटलिक करेक्टर कम होता जाता है, मेटलिक करेक्टर डिक्रीजेस। यानी इस साइड तो पीरियोडिक टेबल में मेटल है, और इस साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे मेटल और राइट हैंड साइड पे नॉन मेटल। तो राइट साइड के जो एलिमेंट है जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, कार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सारे नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल है। नॉन मेटल जो नेचर में पाए जाते हैं ज्यादातर सॉलिड और लिक्विड होते हैं। ठीक है ना, अगर हम इनमें जो फोर्स पाए जाते हैं नॉन मेटल में वो बिटवीन द मॉलिक्यूल वांडरवाल फोर्सेस होते हैं, वांडरवाल फोर्सेस। अच्छा, नॉन मेटल जो है ब्रोमीन लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। ठीक है ना, तो जैसे अगर मैं बात करूं फ्लोरीन, तो फ्लोरीन क्लोरीन तो गैस होती है, नॉन मेटल का एग्जाम्पल। ब्रोमीन यहां पे लिक्विड होता है, और आयोडीन जो नीचे होता है वो सॉलिड होता है। ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है कि जैसे जैसे हम मोलर मास बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे इसमें फोर्सेस बढ़ते जाते हैं, और फोर्सेस बढ़ेंगे तो ये गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड की तरफ ट्रांसफर होता जाता है। ठीक है ना, तो मोलर मास बढ़ने पर फोर्सेस बढ़ेंगे,
जिनको कौन से फोर्सेस की बात कर रहा हूं मैं, वंडरवाल फोर्सेस बढ़ेंगे, और जितना ज्यादा फोर्स होगा मॉलिक्यूल के बीच में वो फिर उतना ही ज्यादा पास पास होंगे, सॉलिड बन जाएंगे, जितना वीक होगा वो गैस बन जाए लिक्विड बन जाएंगे, और बहुत ही वीक होगा वंडरवाल फोर्स तो गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। कुछ एक्सेप्शन की बात कर रहा हूं कि जैसे पहला एक्सेप्शन है मरकरी, तो मरकरी वैसे तो मेटल होता है पर रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड अवस्था में होता है। तो मरकरी का यूज हम कहाँ करते हैं, ये अपन जो थर्मामीटर वगैरह यूज करते हैं, बैरोमीटर वगैरह, उसमें मरकरी का यूज करते हैं कि जैसे हीट मिलेगी वैसे ये एक्सपेंड करने लग जाएगा। ठीक है, तो बुखार नापने में, फीवर में अपन जो थर्मामीटर यूज कर रहे हैं वहां मरकरी मेटल होता है, तो थोड़ा डेंजरस है, उसको जो है बच्चे छोटे बच्चों को नहीं देना चाहिए, टूट जाए तो वो पॉइजनस होता है, मरकरी इज हाईली पॉइजनस। ठीक है, तो वो थर्मामीटर जो है बच्चों के लिए नुकसानदायक होगा जिससे मरकरी होगा। घरों में हम CFL का यूज करते हैं, CFL में भी मरकरी भरा होता है, तो अगर मान लो कहीं CFL टूट जाए या छोटा बच्चा खेलते समय उससे उसका अगर कट लग जाए और मरकरी उसके अंदर एंटर कर जाए तो डेंजरस होगा। तो मरकरी से जो है हमें बचना चाहिए क्योंकि पॉइजनस मेटल है। मेटल का एग्जाम्पल गैलियम और सीजियम जो होते हैं, अब ज्यादातर मेटल का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है इनमें, लेकिन गैलियम और सीजियम ऐसे मेटल हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। इवन समर के डेज में गैलियम जो है लिक्विड अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है, समर डेज में जब ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता है तो गैलियम इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एज वेल एज मरकरी। एक एक्सेप्शन नॉन मेटल का है आयोडीन। ज्यादातर नॉन मेटल जो है वो गैस अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन आयोडीन जो है एक सॉलिड अवस्था में होता है, वंडरवाल फोर्सेस हाई होते हैं और ये हार्ड और लस्टरस होता है, चमक जनरेट करता है आयोडीन। ठीक है, अल्कली मेटल जो है ये एक एक्सेप्शन है मेटल के, कि ज्यादातर मेटल हार्ड होते हैं नेचर में जिस हमने बात की, लेकिन अल्कली मेटल सॉफ्ट होते हैं नेचर में क्योंकि इनमें बॉन्ड तो होता है मेटलिक बॉन्ड पर वीकर होता है, तो इसलिए ये सॉफ्ट अवस्था में होते हैं। जैसे सोडियम मेटल को हम आसानी से चाकू की सहायता से काट सकते हैं, इट कैन बी कट बाय द हेल्प ऑफ ए नाइफ। तो ऐसा है, जब हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो केमिस्ट्री में एक जनरल स्टेटमेंट होगा कि मेटल्स आर हार्ड, लेकिन उसके एक्सेप्शन भी होंगे कि जैसे सीजियम वगैरह सॉफ्ट मेटल है, ठीक है ना, इधर अल्कली मेटल, सोडियम वगैरह सॉफ्ट मेटल। हमने कहा कि जनरल स्टेटमेंट कि मेटल्स आर बेसिकली फाउंड इन सॉलिड स्टेट, बट देर आर एक्सेप्शन, मरकरी इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट, गैलियम इन समर डेज फाउंड इन अ लिक्विड स्टेट। तो दुनिया में ज्यादातर जो कंपाउंड पाए जाते हैं उनमें हाइड्रोकार्बन, जो हाइड्रोकार्बन ज्यादातर पाए जाते हैं उनका एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कार्बन, एंड कार्बन इज ए नॉन मेटल। कार्बन की एक खासियत है कि कार्बन कैन शो एलोट्रोपी। व्हाट इज मीन बाय एलोट्रोपी, कि कुछ कंपाउंड ऐसे हैं, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो नेचर में एक से ज्यादा फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी दीज आर द एलोट्रोप्स आर डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म्ड बाय इन प्योर स्टेट बाय प्योर एलिमेंट। ठीक है, तो जैसे मैं कार्बन के एलोट्रोप्स के बारे में बात करूं तो कार्बन के तीन तरह के एलोट्रोप्स होते हैं। पहला एलोट्रोप इसका होता है डायमंड, दूसरा होता है ग्रेफाइट और तीसरा होता है फुलरिंस। कार्बन, डायमंड और ग्रेफाइट ये नेचुरल एलोट्रोप्स हैं, इनमें सब में प्योर कार्बन है। इनको एलोट्रोप क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन सब में प्योर कार्बन है, बस अरेंजमेंट का फर्क है। तो एलोट्रोप जो है एक ही एलिमेंट होना चाहिए उसमें और वो डिफरेंट कंपाउंड्स होने चाहिए, ठीक है ना, तो सेम एलिमेंट। डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिंस तीन तरह के एलोट्रोप है। डायमंड, ग्रेफाइट ये है नेचुरल और फुलरिंस है मैनमेड, आर्टिफिशियली बनाया जाता है फुलरिंस। डायमंड के बारे में हमने सुना होगा कि डायमंड चमकदार होते हैं, ठीक है, बहुत महंगे होते हैं, ठीक है। डायमंड यहां केमिकली इनर्ट होते हैं और दूसरी बात इनमें चमक होती है इसलिए बहुत महंगे होते हैं। डायमंड इज ए हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। अर्थ पे जितने भी कंपाउंड पाए जाते हैं सब में सबसे ज्यादा जो सख्त है, हार्ड है, वो डायमंड है, ठीक है, ये डायमंड की खासियत है, ठीक है। इसके अलावा डायमंड में इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता है कि बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट डायमंड का होता है। ग्रेफाइट आपके पेंसिल में जो है, जो अपन यूज करते हैं पेंसिल की जो निब है वो ग्रेफाइट की बनी होती है, अंदर ब्लैक अपीरेंस जो आप लिखते हैं ब्लैक पेंसिल, तो वो ग्रेफाइट उसमें यूज किया जाता है। ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है
और बहुत अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो ग्रेफाइट नॉन मेटल होते हुए भी, क्योंकि ज्यादा अगर हमने देखा कंडक्टिविटी एक फीचर है मेटल का, लेकिन ग्रेफाइट तो नॉन मेटल से बना हुआ है, बट स्टिल इट इज हैविंग वेरी गुड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वहीं पर अगर मैं डायमंड के बारे में बात करूं तो डायमंड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड इतनी आसानी से जो है इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं करता है। ठीक, चलिए तो यहां पर स्टॉप कर रहे हैं इस टॉपिक को, नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे।